हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए, क्लास 11th में भी यूज होता है, क्लास 12th में भी, IIT JEE, NDA, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी कि ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि इसका यूज बहुत ज़्यादा फंक्शन में भी होगा, तो फंक्शन में फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल पे, कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, पॉलिनोमियल ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में आप लोग ये देखे होंगे कि क्लास 9th या 10th में बताया जाता है कि इस तरह से an x^n + an - 1 x^n - 1 x पावर घटता जा रहा है, an - 2 x^n - 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है, प्लस लास्ट में आता है a0, और x^0 भी होता है तो वो क्या होता है, 1, तो a0 हो गया, है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, a0। तो इस तरह से, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एफ एक्स मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये है an, an - 1, an - 2 एंड सो ऑन a0 तक, ये क्या है, ये रियल कोफिशियंट, रियल कोफिशियंट। कोफिशियंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x के जो मल्टीप्लाई में है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशियंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये रियल कोफिशियंट है, मतलब ये क्या है, ये सभी रियल है। और यहाँ पे n क्या है, n नॉन निगेटिव इंटीजर, आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर आप होल नंबर भी बोल सकते हो, ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल आप लोग पहचान सकते हो कि अगर वेरिएबल के पावर अगर नॉन निगेटिव इंटीजर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x + 2, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका थोबड़ा इसके जैसा है, सही है। अच्छा, जैसे मैं ये बोल दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 2 + 3x + 1, अब तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स टू द पावर निगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या बोला था, नॉन निगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर आप बोल सकते हो, तो नॉन निगेटिव इंटीजर में -2 नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो ये ऐसा ले लें, एफ एक्स इक्वल टू 3/√x और प्लस प्लस एक्स प्लस 1 कर लें, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, यानी कि एक्स वाले टर्म को ऊपर लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स का मतलब होता है x^1/2, और ये हो गया x + 1, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये आ जाएगा 3 और x^-1/2 और प्लस x + 1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि -1/2 तो होल नंबर में आता ही नहीं, ऊपर से क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पॉलिनोमियल अब आप लोग पहचान लोगे। ठीक है, खैर, तो हम लोगों को बात करना है किस पे, क्वाड्रेटिक तक जाना है। ठीक है, तो आप जरा सोचो कि यहाँ पे क्या है कि एक्स का जो पावर है वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है ना, यानी कहीं ना कहीं एक्स का पावर 2 मिला होगा, एक्स का पावर 1 वाला मिला होगा, फिर एक्स का पावर 0 वाला टर्म भी मिला होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग सिर्फ एक्स के पावर 0 वाला टर्म, तो यही होगा, तो एक्स के पावर 0 वाला टर्म अगर हम लोग ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ले लें, तो ए नॉट तो कोई एक नंबर होगा, बोला गया था ना ये रियल कोफिशिएंट, यानी कोई रियल नंबर होगा, तो ये हो जाएगा। और लेकिन अगर हम लोग इससे पहले वाला टर्म भी एक उठा लें, तो क्या मिलेगा, a1 x^1 और प्लस a0, ये मिलेगा। तो इसके पहले वाला, a0 से पहले वाला टर्म क्या आएगा, इससे पहले वाला टर्म आ जाएगा a1 x^1, और इससे पहले क्या आएगा, a2 x^2, इस तरह से आएगा। तो अगर मैंने इतना टर्म हटा दिया, सिर्फ ये दोनों ले लें, तो ऐसा दिखेगा कोई पॉलिनोमियल,
अगर मैंने उससे पहले का टर्म भी एक ऑड ले लिया तो क्या दिखेगा, ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये दिखेगा सही ना। एक और उससे पहले अगर हम लोग ले लें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ए थ्री एक्स के पावर थ्री प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि और भी चीज़ें आएंगी। अगर एक और हम लोग पहले देख लें तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि ए फोर एक्स टू द पावर फोर प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब हम लोग लास्ट वाला टर्म यानी कि सिर्फ ए नॉट आ रहा है तो इस केस में एक्स तो है ही नहीं, तो इस लेकिन ये पॉलीनोमियल तो है ही, तो ये पॉलीनोमियल है तो ये कैसा पॉलीनोमियल कहलाएगा, तो ये बोला कहलाएगा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है। अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चूंकि ये एक्स टू द पावर वन है, एक्स टू द पावर वन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास टेंथ में डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, तो जो पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल में जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वही पावर क्या कहलाता है, उसका डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर पूछ दे कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल में डिग्री क्या होता है तो डिग्री जीरो बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या था, जीरो था, और यही हाईएस्ट पावर है इस पॉलीनोमियल के लिए। लेकिन इस पॉलीनोमियल की बात करें तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे एक्स का पावर वन है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, जीरो है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, वन। जैसे ही पावर वन आया यानी डिग्री वन है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। ये आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ, लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल। अच्छा इस पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स का डिग्री जीरो, यहाँ पे एक्स का डिग्री वन, यहाँ पे एक्स का डिग्री टू, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे है, तो डिग्री कितना हो जाएगा टू, तो टू अगर डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सही है। अच्छा अगर डिग्री थ्री हो गया, देखो यहाँ पे एक्स पावर जीरो, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू, एक्स पावर थ्री, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर थ्री है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल, सही ना। अच्छा और अगर डिग्री फोर हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं, सही ना। तो इस तरह से और भी हम लोग आगे जा सकते हैं। खैर फिलहाल तो हम लोग बात करने वाले थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये आया था कहाँ से, पॉलीनोमियल से। पॉलीनोमियल क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को देखो, ये जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे देखो ये वाली चीज़ें हैं, इसको अगर हम थोड़ा सिंपल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई सिर्फ एक कोई कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, जैसे हमने ए लिख दिया, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है। जैसे मैंने ये लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो ए वन एक्स है प्लस ए नॉट है, तो ए वन और ए नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है ना, तो उसका अलग अलग नाम देते हैं ऐसे कि एक्स प्लस बी नाम देते हैं, ए एक्स प्लस बी, देखो अच्छा लग रहा है ना, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है। जैसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू इस पे नाम दे दें, इस पे नाम दे दें, क्या दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये जो भी पॉलीनोमियल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं जो आप ये लोग यूज करते हैं। जैसे क्यूबिक वाले पे बात करें तो क्या बोलेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सही ना। तो क्या नोटिस करते हैं हम लोग कि एक्स का जो डिग्री है वो डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। और अगर हम लोग बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाए क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सही ना। तो अब यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट, वो क्या होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर जो होता है, एक्स पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसका जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो डिग्री वाला जो टर्म बता रहा है उसका जो कोएफिशिएंट है, सही ना, तो वो क्या कहलाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे भी मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ये ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, सही है ना। अच्छा जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो यहाँ पे जैसे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टर्म, क्या बोलेंगे, जो कांस्टेंट टर्म उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टर्म। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ किस पे, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई उठा लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ,
जैसा अगर मैं बात कर लूँ कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, वो लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो जो डिग्री, जो टर्म डिग्री बता रहा होता है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले लिया तो वो क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये ले लिया हमने, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो यहाँ पे हाईएस्ट, चूंकि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है ना, तो ये जो कॉफिशियंट है ये क्या कहलाएगा, लीडिंग कॉफिशियंट, क्या कहलाएगा, लीडिंग कॉफिशियंट, लीडिंग कॉफिशियंट, जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसका जो कॉफिशियंट होता है वो क्या कहलाता है, लीडिंग कॉफिशियंट, ठीक है। तो ये बी क्या होगा, तो बी जो है वो कहलाएगा कौन सा वाला टर्म, लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म्स का है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर, लीनियर टर्म्स, ये जो कॉफिशियंट है वो लीनियर टर्म्स कॉफिशियंट है ना, लीनियर टर्म्स का कॉफिशियंट है। अच्छा सी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म, क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक, अच्छा इस पर हम बात कर लेते हैं, अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट, ये ए क्या है, ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, तो अगर ए, अगर लीडिंग कोफिशिएंट वन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर लीडिंग कोफिशिएंट वन हुआ तो उसको बोलेंगे मोनिक पॉलीनोमियल, मोनिक पॉलीनोमियल। जैसे मान लो मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, वन है, यानी कि यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशियंट है वो कितना है, लीडिंग कॉफिशियंट, कॉफिशियंट कितना है, लीडिंग कॉफिशियंट वन है, सही है ना। तो ये जो एफ एक्स है वो क्या कहलाएगा, तो एफ एक्स इज, एफ एक्स इज मोनिक पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलीनोमियल, सही है ना। तो अगर लीडिंग कॉफिशेंट वन हुआ तो क्या कहलाएगा, वो मोनिक पॉलीनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा तो आपने मोनिक पॉलीनोमियल भी समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होने के लिए एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि अब हम लोग एंटर करते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग जब एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए जीरो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमें ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ए कॉमा बी एंड सी वो क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया कि मोनिक पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल आपने समझ लिया, लीनियर पॉलीनोमियल समझ गए, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल समझ गए, है ना, क्यूबिक पॉलीनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक भी समझ चुके हैं, और मोनिक भी समझ चुके हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये है तो अब हम लोग बात करेंगे इसके रूट्स पे। तो रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर वो क्या दे दे, जीरो दे दे, तो उसको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, किसका, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा इसका, क्या कि एक्स इज इक्वल टू, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने इसका रूट्स पढ़ा होगा, है ना, कि रूट्स ऑफ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ा था आपने, आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, आपने ये पढ़ा था। और यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसको हम लोग डी बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए,
इस तरह का बन जाएगा, सही ना। तो ये आ गया इसका रूट्स, ये आप लोग क्लास टेंथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब ये रूट्स आया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो रूट्स आया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, और एक और रूट्स आया क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, सही ना। तो आपने क्या किया होगा, क्लास टेंथ में एक रूट्स को आपने अल्फा मान लिया होगा कि ये हमारा क्या हो गया, ये अगर अल्फा इसको मान लिया तो इसको हमने बीटा मान लिया, ये क्यों क्या है बीटा, आपने ऐसा माना होगा क्लास टेंथ में कि एक रूट्स को हम अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो आप कोई जरूरी नहीं किसी को अल्फा बोले, आप इसको भी अल्फा बोल सकते हैं, तो इसको बीटा बोलना पड़ेगा, सही ना। अच्छा तो ये अल्फा और बीटा हो गया, सही है। तो ये जो रूट्स होता है यानी एक्स का जो ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ एक्स इक्वल टू यहाँ पे अल्फा रख दें तो ये जीरो होगा, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा तो आपने रूट्स को लेकर कुछ थ्योरीज भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि रूट्स का आपने सम देखा होगा, रूट्स का प्रोडक्ट देखा होगा, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाय ए होता था। कैसे आता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा आप दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, माइनस बी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब सम ऑफ रूट्स की, है ना। तो अल्फा किसको माने थे, तो अल्फा माने थे हम लोग माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए को, और बीटा किसको माने थे, बीटा माने थे हम लोग माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ रूट्स की, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो, आप जोड़ के देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कितना आने वाला है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आएगा, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डी का वैल्यू रख देना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इतना ही आ जाएगा। अच्छा एक और है डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस ऑफ रूट्स ये आपने टेंथ में नहीं देखा होगा, है ना, या आपने डिफरेंस करके देखा भी नहीं होगा, तो चलो मैं आज दिखा देता हूँ। डिफरेंस लेते हैं तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, और फिर माइनस करेंगे, है ना। तो फिर माइनस करेंगे, इन दोनों पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस बी और प्लस अंडर रूट डी और बाई टू ए बन जाएगा, सही है। तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। लो ब्रैकेट लिए, एलसीएम लेने के बाद इसका साइन चेंज कर लेते हैं लोग, टू ए, और ये कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और प्लस बी और प्लस अंडर रूट डी, सही है। तो इसमें क्या होगा कि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट डी प्लस रूट डी, टू रूट अंडर डी अपॉन टू ए, टू से टू कैंसिल, क्या आएगा, रूट डी बाई ए, ठीक है। तो ये अब आपको याद रखना है क्या, डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अंडर रूट डी बाई ए, है ना, इसका भी यूज हो जाता है कभी कभी। तो आपको तीन बातें याद रखनी है, क्या क्या, कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, और डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है रूट डी बाय ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। तो हम लोग फैक्टराइजेशन में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि फैक्टराइज्ड फॉर्म, तो फैक्टराइज फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब फैक्टराइज किए होंगे तो जरूर ये मिला होगा, जैसे ये था ना एक्स स्क्वायर, सॉरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही तो मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्स माइनस अल्फा है एक्स माइनस बीटा है ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, उसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिए, अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स माइनस टू और थ्री है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस टू
इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये अगर अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या दिखेगा, तो देखो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर और क्या मिलेगा, माइनस माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग इसको एक्स वाले टर्म को साथ में कर दें तो माइनस एक्स कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसी को तो हम लोग सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हो सकता है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इनका वैल्यू निकालना है। क्या दे रखा है उसने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन ना समझे, आप इसको थ्योरी का पार्ट समझे, ठीक है। इससे जो कुछ रिजल्ट्स आएगा उसको अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हम लोग क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा, सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं कितना होगा, सी बाई ए, अभी भी हम लोगों ने देखा था। अच्छा तो हमें निकालना है, पहला वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही ना। तो आप जरा ये सोचो कि हमें वैल्यू तो पता है किसका, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, और हमें वैल्यू इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना उसको इन दोनों के टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं किसके टर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। तो क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर भी तो होगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, टू ए सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अगर आप इसको थोड़ा डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या निकालना था, सेकंड नंबर में निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें पता है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्यों ना इसको हम उसी टर्म में तोड़ेंगे, किसके टर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, मतलब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फार्मूला, सही ना। अच्छा इसमें क्यों तोड़ेंगे, ताकि इस पर वैल्यू हम लोग रख सके। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, माइनस बी बाय ए, और उसका क्यूब है तो माइनस आ जाएगा बाहर, और बी का आ जाएगा क्यूब, और बी बाय ए, ए का भी हो जाएगा क्यूब, माइनस थ्री अल्फा बीटा यानी कि थ्री सी बाय ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय ए होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते, तो माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस थ्री बी सी, थ्री बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा, ये क्यूब है, ए क्यूब एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा, माइनस बी क्यूब प्लस थ्री बी सी। तो ये वैल्यू आ गया किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे नंबर बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर, है ना। तो इसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे,
तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही ना। अब ये ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है, तो ए की जगह अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह बीटा स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चूंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही तो हमारे लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब अगला क्या है कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको और तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, यानी माइनस टू अल्फा बीटा, ये हम किसको तोड़े, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तोड़ दिया, अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर था तो एक साथ कर दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और माइनस टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, अब इस पर भी क्या है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा टू, और अल्फा इंटू बीटा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ बताना अंदर ही अंदर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा अंदर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बचेगा, टू ए सी, अब इस पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए के पावर फोर मिलने वाला है, ए के पावर फोर मिलने वाला है ना, तो क्यों ना एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर फोर, ये जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर इसमें पावर फोर हो जाएगा, सही ना। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आया वैल्यू किसका, अल्फा टू दी पावर फोर प्लस बीटा टू दी पावर फोर, ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम लोग तीसरे नंबर भी पहुंच गए, अब हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो चलिए बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो हम लोग अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है सॉरी चौथा नंबर है ना, फोर्थ नंबर, तीसरे नंबर बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर बात कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे 3abc होगा, आप लोग ये सही कर लेना, यहाँ पे LCM लेने में प्रॉब्लम हुई ना, 3abc a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यों a बचेगा तो 3abc आएगा, 3abc आप इसको सही कर लेना। अच्छा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको याद होगा क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए बी, माइनस फोर यानी माइनस फोर अल्फा बीटा, आप देखो इसको सॉल्व करो इतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा और माइनस टू ए बी है, तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कर जाएगा तो माइनस टू ए बी बचेगा, तो फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख देते हैं, क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या आ जाएगा फोर ए सी, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। अच्छा हाँ, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाई ए, तो डी का मतलब होता है बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए, अब इस पे होल स्क्वायर था तो इस पे अगर होल स्क्वायर लगा देते तो फिर इतना ही आ जाता है ना, इस तरह से भी हम लोग सोच सकते थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले नंबर पे, अगला नंबर क्या है, अल्फा टू द पावर फोर माइनस बीटा टू द पावर फोर है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा टू द पावर फोर और माइनस बीटा टू द पावर फोर, अभी हम लोग प्लस वाला निकाले थे, अब ये आ गया है माइनस वाला, सही है। तो देखते हैं, तो बताओ क्या आएगा, तीस कौन सा नंबर है ये, पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर क्या है, अल्फा टू द पावर फोर माइनस बीटा टू द पावर फोर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सही ना। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या आया था बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, क्या आया था बी स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसको ऐसे तोड़ लो, अभी अभी हम लोग निकाले थे वैल्यू, इसका वैल्यू
ठीक है, देखो ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा ऐसे निकाले थे, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और a माइनस बी का मतलब हो गया अल्फा माइनस बीटा, सही ना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर सॉरी इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2c बाई ए, ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ पे आप अगला ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ये हो गया। अच्छा अल्फा माइनस बीटा यानी कि रूट्स का डिफरेंस कितना आता है अंडर रूट डी बाई ए, और अंडर रूट डी बाई ए का मतलब प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई होगा ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आएगा। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस है ना, तो इसको आगे लिख लेते हैं। अच्छा ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है ए स्क्वायर देगा ये ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होता था अल्फा अल्फा माइनस बीटा है ना अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए यहाँ पर सिर्फ ए होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एल सी में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी ये क्या रहेगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नीचे कितना आने वाला है, नीचे आने वाला ए टू द पावर फोर, ऊपर में ये बी रहेगा और यह आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए सी भी तो था टू ए सी रहेगा तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका आंसर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स और थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्यूरेटिक इक्वेशन पे भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।